नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूसनेट सेल्फ स्टडी में आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल था सिमन का बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल कुछ और इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे लिंडन ब्लूम का इंक्रीमेंटल मॉडल एटीजियोनी का मिक्स स्कैनिंग मॉडल और ड्रॉर का ऑपरिमल मॉडल ये भी आप प्लीज ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में मैच दॉलिंग में भी आ सकते हैं सिमन का रैशनल बाउंड्रेड रेशनलैटी मॉडल के बारे में पढ़ते हैं देखिए सिमन ने क्या किया कि रेशनैलिटी एस्पेक्ट जो था उसको बहुत ही डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस दिए बार बार डिस्कस भी किया है इनके डेफिनेशन में हिज मॉडल ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल भी कहा गया क्यों क्योंकि उन्होंने एक जो अल्टरनेटिव दिया था टू द क्लासिकल इकोनॉमिक और जो रेशनैलिटी मॉडल था उसके अगेंस्ट में कि इकोनॉमी ही रैशनैलिटी है नो ही पुट इन सब बिहेवियर टेक्निक्स इन इट और बोला नहीं ये भी नहीं है इसका एक अल्टरनेटिव भी है बाउंड्री रेशनलिटी भी है रेशनलिटी भी होनी चाहिए भाई ठीक है ऐसी रेशनलिटी ऐसे ही नहीं आती है इकोनॉमी से नहीं आती है तो इसलिए इसको बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल भी कहा जाता है रेशनलिटी क्या है सीमन के अनुसार इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ प्रफर्ड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज वेयर बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर कैन बी इन्वेटेड ये कह रहे थे कि सिलेक्शन ऑफ प्रफर्ड बिहेवियर अल्टरनेटिव मतलब प्रफर किए जाने वाले बिहेवियर अल्टरनेटिव हमारे पास हैं उनको वैल्यूज़ के टर्म्स में हम काउंट कर सकें और उनका जब हम वो डिसीजन ले लें या रेशनल डिसीजन ले लें उनको हम मापन कर सकें उनको हम बिहेवियर अल्टरनेटिवस को उनको हम कैलकुलेट कर पाएं जब हम कंपेयर कर पाए तो अकॉर्डिंग टू हिम रैशनल डिसीजन इज क्या है इनके अकॉर्डिंग रैशनल डिसीजन दो तीन चार तरह के इन्होंने रैशनल डिसीजन बताए हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑब्जेक्टिवली रैशनल ऑब्जेक्टिवली रैशनल डिसीजन क्या है अगर इफ इन फैक्ट इट इज करेक्ट बिहेवियर फॉर मैक्सिमाइजिंग गिवन वैल्यूज इन अ गिवन सिचुएशन मतलब आपकी कोई गिवन वैल्यू है वो गिवन सिचुएशन में मैक्सीमाइज आउटपुट आ रही है आपकी मतलब जितना आपने सोचा था वो मैक्सीमाइज कर रहा है उस वैल्यू को तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिवली रैशनल आउटपुट ठीक है जी और अगर ये ऑब्जेक्टिव रैशनल हो गया सब्जेक्टिवली रैशनल इफ इट मैक्सीमाइज अटेनमेंट रिलेटिव टू द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मतलब हम किसी सब्जेक्ट की नॉलेज को अटेन करने में मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं अगर हमें समझ लीजिए साइंस पढ़ना है साइंस की नॉलेज को मैक्सिमाइज लेवल तक पढ़ पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिवली रैशनल कॉन्शियसली रैशनल क्या है टू द डिग्री दैट द एडजस्टमेंट ऑफ मीन्स टू द एंड इज कॉन्शियस प्रोसेस कॉन्शियस प्रोसेस क्या है कि मीन्स से लेके एंड्स तक का जो एडजस्टमेंट है ठीक है जो हमारे पास मीन्स है और उसको हम रिजल्ट तक पहुंचा पा रहे हैं अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो कॉन्शियस प्रोसेस है उनका यूज़ करके डेलिब्रेट रैशनल क्या हुआ

पर्सनल रेशनल अगर मेरे अनुसार वो सही है तो पर्सनल रेशनल है वो तो सीमन बिलीव दैट टोटल रेशनलिटी इज इंपॉसिबल उन्होंने ये समझ लिया कि टोटल रेशनलिटी इम्पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में हैंस मैक्सिमाइजिंग डिसीजन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल उन्होंने ये भी मान लिया कि हम डिसीजन को भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते ही ऑब्जर्व दैट ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग इज करेक्टराइज बाय बाउंडेड रेशनलिटी ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया कि बाउंडेड रेशनलिटी या लिमिटेड रेशनैलिटी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का करेक्टराइज करता है ऑर्गेनाइजेशन में लीडिंग टू सेटिस डिसीजन अगेंस्ट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन वो बोलते थे कि सेटिसफाइजिंग डिसीजन हो सकता है मैक्सिमाइजिंग डिसीजन नहीं हो सकता क्योंकि आदमी आदमी है रोबोट नहीं है ठीक है रेशनैलिटी पूरी तरह नहीं आ पाती सेटिसफाइजिंग उन्होंने एक वर्ड बनाया है सेटिस्फैक्शन एंड सफाइसिंग के जोड़ के दैट डिसीजन मेकिंग चूज इन अल्टरनेटिव विद इज विच इज सेटिसफैक्ट्री और गुड इनफ मतलब एक ऐसा डिसीजन उसे लेना जो सेटिसफाइजिंग और सफाइसिंग भी हो तो उसका वर्ड बना मतलब सेटिसफाइसिंग सेटिसफाइंग नहीं वर्ड बना दिया इन्होंने कि ऐसा डिसीजन मेकर को ऐसा डिसीजन चूज करना चाहिए फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉसिबल फॉर बाउंडेड रेशनलिटी लीडिंग टू सेटिसफाइसिंग डिसीजन कौन कौन से फैक्टर हमें बाउंडेड रेशनलिटी और सेटिसफाइस डिसीजन देते हैं डायनेमिक रेटर देन स्टैटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है डायनेमिक होना चाहिए एक स्थिर रिजिड ये सब नहीं होना चाहिए इन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज इन लिमिटेड कैपैसिटी टू प्रोसेस द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को बहुत डीपली स्टडी करके उसको बहुत डीपली एनालाइज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए टाइम एंड कॉस्ट कंट्रेंड्स ठीक है टाइम एंड कॉस्ट कंट्रेंड्स जो है वो नहीं होने चाहिए उसमें टाइम का दबाव कॉस्ट का दबाव नहीं फ्री फ्लो होना चाहिए एनवायरमेंटल फोर्सेज एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई नहीं होना चाहिए अल्टरनेटिव कैनॉट बी ऑलवेज क्वॉन्टिफाइड इन ऑर्डर प्रेफरेंस अब ये क्या है कि ऑर्डर प्रेफरेंस में हम जो है अल्टरनेटिवस को लगा नहीं सकते उसकी वैल्यू के हिसाब से हम लगा सकते हैं डिसीजन मेकर मे नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव अवेलेबल इन देयर कॉन्सिक्वेंसिज ठीक है बाउंड्रेड रेशनलैिटी का ये भी रीज़न है कि वो जो बंदा है उसको सारे अल्टरनेटिव का ही नहीं पता इसलिए परफेक्ट रेशनैलिटी नहीं आ पा रही है डिसीजन मेकर को पता ही नहीं है कि कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल है और उसके कॉन्सिक्वेंस भी क्या है भी नहीं पता पर्सनल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार डिसीजन मेकर हैबिट्स उसकी प्रसिब नोशंस कोई सोच उसकी पहले से डेवलप हुई ये भी बाउंडेड रेशनैलिटी के कारण होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स लाइक प्रोसीजर्स रूल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह ये सब जो हिंड्रेंसिस हैं ये भी बाउंडेड रेशनैिटी लाने के लिए कारण होता है लिमिटेड रेशनैलिटी होती है फुली रेशनैलिटी नहीं हो पाता है तो एक इन्होंने नीचे डायग्राम भी बनाया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है उसके पर कितने सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ों को झेलना पड़ रहा है उसको टाइम एंड कॉस्ट कंट्रीज जो ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स टाइम एंड कॉस्ट कंट्रीज इन्वायरमेंटल फोर्सेज एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है नेचर ऑफ अल्टरनेटिवस नेचर ऑफ अल्टरनेटिव भी ऐसे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं कि एक ही जैसे नहीं है वो अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेटिव इसको है कि नहीं पर्सनल फैक्टर्स इसकी पर्सनल लाइफ ठीक है कि नहीं मेंटल स्टेटस ठीक है कि नहीं ऑर्गेनाइजन फैक्टर इसके ऊपर कितना इफेक्ट डाले ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन नॉर्म्स नेचर ऑफ ऑर्गनाइसन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इसके रैशनलिटी के हिसाब से है कि नहीं इन्फॉर्मेशन फैक्टर्स मतलब एक आदमी सोचिए कि अच्छा पुलिस वाला आता है उसको लगता है कि मेरा रैशनल डिसीजन ये है कि मैं लोगों की बिल्कुल ईमानदारी सेवा करूँ लेकिन वो पॉलिटिकल फैक्टर्स उसकी खुद के घर में लड़ाई हो जाती है बीवी बोलती है कि नहीं तुम और लोग इतना कमाते तुम भी कमाओ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो गए टाइम एंड कॉस्ट कंट्रेंट्स उसके पास लोड इतना ज़्यादा एरिया इतना बड़ा है टाइम कम है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पूरी रीढ़ी ऐसी कि वो नहीं चाहती कि वो ज़्यादा ईमानदारी से काम करे और हम एक्सपोज हो तो इस तरह के एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था आपको इससे इन सब को करके वो एक पूरा सेटिस्फाइंग डिसीजन नहीं ला पाएगा वो क्या करेगा फिर भी बोलो मैं अच्छे से काम करूँगा मैं एक सेटिसफाइसिंग यानी सफाइसिंग एंड सेटिस्फाइंग डिसीजन इन सबको लेके जो आता है थ्रू यूजिंग द बाउंडेड रैशनैलिटी उसकी रैशनैलिटी बाउंडेड है और वो एक सेटिसफाइसिंग डिसीजन दे सकता है इन द व्यू ऑफ अब लिमिटेशन सिमन प्रपोज मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन अगेंस्ट द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक मैन इसी के लिए बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का मॉडल होना चाहिए एक इकोनॉमिक मैन का मॉडल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमाइजिंग डिसीजन होते ही नहीं सकते इकोनॉमिक मैन वो बोल रहे थे हंड्रेड परसेंट एफिशंसी मैक्सिमाइजिंग डिसीजन ऐसा नहीं होता है हमें सेटिसफाइसिंग डिसीजन ले सकते हैं बाउंड्री रेसनैटी के साथ अकॉर्डिंग टू हिम द एडमिनिस्ट्रेटिव मैन क्या होता है वो इन चूजिंग अल्टरनेटिव ट्राइज टू सेटिसफाई अवर लुक फॉर वन विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री और गुड इनफ मतलब गुड इनफ में देखता परफेक्शन नहीं आ पाता है इसमें रिकोगनाइज द वर्ल्ड ही प्रोसीव इज अ डरेस्ट्रिकली सिम्प्लीफाइड मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड मतलब वही है वो रियलिटी में जीने वाला आदमी है ज्यादा फेकू उस टाइप का नहीं है हंड्रेड परसेंट वाला आदमी नहीं है वो उसको पता है कि सत्तर परसेंट ही रेशनलिटी आ सकती है कैन मेक हिज चॉइस विदाउट फर्स्ट डिटरमाइनिंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव विदाउट असरटेनिंग दैट दीज इनफैक्ट ऑल दीज ऑल द अल्टरनेटिव बिकॉज ही सेटिसफाइज रादर देन मैक्माइज मतलब वही है कि अल्टरनेटिव है उसका सब कुछ तो पता नहीं चल सकता उसको हर का इफेक्ट हर का कॉन्सिक्वेंस तो वो चूज करता है कि जो सेटिसफाइंग एक डिसीजन वो ले ले एक अल्टरनेटिव चूज कर ले और मैक्सिमाइज थोड़ा सा उसको मैक्सिमाइज करके डिसीजन लेके आए वो इज एबल टू मेक डिसीजन विद अल्टरनेटली सिंपल रूल ऑफ थम बिकॉज ही ट्रीट्स वर्ल्ड एज रैदर एम्प्टी ठीक है सिंपली रूल ऑफ थम यूज करता है कोई अल्ट्रा uh, कोई ज़्यादा साइंस वाइंस नहीं लगाता है और क्योंकि वो वर्ल्ड को कैसे ट्रीट कर रहा है खाली ट्रीट कर रहा है ठीक है एक तरीके से कि वर्ल्ड में कुछ नहीं है और हमें उसको भरना है इस तरीके से इसलिए रूल ऑफ थम वो यूज़ करता है थर्ड सेटिस्फाइजिंग सेटिसफाइजिंग अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिमाइजिंग इकोनॉमिक मैन इकोनॉमिक मैन जो मैक्माइजिंग ऑप्टीमाइजिंग वैसा नहीं होता है जो क्लासिकली इकोनॉमिक थ्योरी एंड्स अप सेटिस्फाइजिंग एंड ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज़ मैक्सिमाइज की एबिलिटी नहीं होती क्रिस अर्गरिस ने ऑब्जर्व किया कि सीमन बाई एक्सिस्टिंग ऑन रेशनलिटी हैज़ नॉट रिकोगनाइज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशन फेथ इन डिसन मेकिंग ही सेट सेमस थ्योरी यूज इसटिस्फाइजिंग टू रेसनालाइज इनकम्पन्टेंस क्रिस एर्गरिस ने पॉइंट किया कि ये इनकम्पनटेंस बोल रहा है नहीं हो सकता है बेटर हो सकता है लेकिन ये इनकम्पन्टेंस की वजह से इसको सेटिसफाइजिंग को यूज कर रहा है क्योंकि ट्रेडिशन फेथ ये सब कभी इसको रोल में लेना चाहिए था ऐसी नॉर्टन ई और फिल फिलिप सल्जनिक ने आर्ग्यू किया कि सीमन के डिस्टिंगशन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यूज रिवाइज इन न्यू गाइज द डिसक्रेडिडेड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी एंड कंसिडर्ड ब्यूरोक्रेसी एज ए न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट तो इन्होंने वो बोला कि इनका जो फैक्ट्स और वैल्यू वाला है वो डिसक्रेड हो गया था उस समय पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को सब रिजेक्ट कर चुके थे और ये उसको मानते थे कि वो उसको वापस बन पाना चाह रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं तो हमने अभी पढ़ा सिमन का बाउंड्री रैशनैलिटी वो यही कहना चाह रहे थे कि हंड्रेड परसेंट रैशनलिटी नहीं आ सकती हम सेटिसफाइंग या सफाइसिंग डिसीजन नहीं सकते। ले सकते हम सेटिसफाइसिंग डिसीजन ले सकते हैं दोनों के बीच का काम हो सकता है हम ऑप्टिमाइज नहीं हो सकते इकोनॉमिक मैन की तरह हमें समझना पड़ेगा हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं मॉडल के थ्रू उन्होंने बताया तो यही था बाउंड्री रैशनैलिटी मॉडल और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे टेक केयर